21 अप्रैल 1526 पानीपत, बहुत बड़ा इतिहास लिखे जाने वाला है। एक तरफ है बाबर की सेना और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से कहीं ज्यादा बड़ी है, साथ में बहुत सारे हाथी, घोड़े, पैदल सिपाही सब है। और वहीं दूसरी तरफ बाबर के पास 12 से 25 हजार की संख्या में घोड़े पर लड़ने वाले सिपाही। इस जंग में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बाबर ने कुछ ऐसा किया था जो भारत की सरजमी पर ना ही उस समय किसी ने देखा था और ना ही कभी सुना था। वो लेके आया गोलों की ताकत, तोपों की ताकत, जिसके लिए उसने मदद ली ओटोमन एम्पायर के एक गनमैन उस्ताद अली कुली की। इब्राहिम लोदी ने ये सोचा कि बाबर की सेना तो छोटी सी है और इसके लिए तो मेरे हाथी ही काफी है, तो उसने ये आदेश दिया, कुचल दो सबको। भेज दिया हाथी आगे, लेकिन जब हाथी आगे गए बाबर के तोप चालू हो गए। तोपों के डर से हाथियों को पीछे हटना पड़ा। ये तोप वाली टेक्नोलॉजी उस वक्त भारत में पहली बार आई थी। इब्राहिम लोदी समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जब हाथी पीछे हट गए तो इब्राहिम लोदी ने घुड़सवार सेना भेजी। इब्राहिम लोदी की घुड़सवार सेना को बाबर की घुड़सवार सेना ने खदेड़ दिया। बाबर के तोप लगातार चलते रहे, जिसके डर से हाथी बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचल दिया, जिससे इब्राहिम लोदी की ज़्यादातर सेना खत्म हो गई। बची हुई सेना से इब्राहिम लोदी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो ये युद्ध हार गया और इस तरह बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीत गया।